आजकल हम कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पंजाबी सिनेमा में देख सकते हैं। एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो कि पंजाबी सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रही हैं, जिनका नाम है आदिति ग्रोवर्तिकर। वेलकम टू डीएनएट। थैंक यू। तो आपने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, तो पंजाबी फिल्म में काम करने का कैसा आपका मन बना? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मुझे ये भी पता है कि पंजाबी फिल्म्स बहुत अच्छी, बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, तो इस इंडस्ट्री का पार्ट होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माई सेल्फ कैंट जो फिल्म का नाम है, तो किस तरह का कैरेक्टर आपका इस फिल्म में? ये एक बहुत कॉमेडी फिल्म है और इसमें मैं जो हीरोइन है उसकी मासी का रोल अदा कर रही हूँ, और ये जो कैरेक्टर है ये सीरियलों में बहुत घुसा हुआ है, तो इट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर, इट्स अ वेरी लाउड कैरेक्टर, तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड कैरेक्टर एंड अ ग्रेट फिल्म। अच्छा, जिस तरह आप अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि रीजनल सिनेमा में काम करने का अपना ही मज़ा होता है, तो बीइंग एन एक्टर हाउ डू यू इवॉल्व व्हेन यू वर्क इन ए रीजनल फिल्म, और क्या क्या मिलता है बीइंग एन एक्टर? एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी ऑफ माय करियर वाज अ तेलुगु फिल्म और बहुत बड़ी हिट हुई थी वो, तो वो फुल फ्लेज्ड रोल था और जो डायलॉग्स थे वो मैं तेलुगु में ही बोलती थी, लेकिन उसका एक्सेंट सुन के सब लोग हंसते थे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट है, तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो इमोशंस होते हैं वो विदाउट नोइंग कि आप क्या एक्चुअली बोल रहे हो, मतलब तो पता होता है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग होती है वो हिंदी में या इंग्लिश में जो हमको लैंग्वेजेस समझ आती है वो अलग ही तरीके से बाहर आती है। अच्छा, जैसे कि आजकल आप चंडीगढ़ में शूट कर रही हैं, आपको जैसे पंजाब स्पेशली चंडीगढ़ बहुत पसंद है, तो शूट के अलावा घूमने फिरने का मौका मिला या घूमेंगी फिरेंगी कोई ऐसे प्लान्स? नहीं, मैं चंडीगढ़ घूम चुकी हूँ, मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं यहाँ पे, तो मुझे चंडीगढ़ की काफ़ी पहचान है। यहाँ पर मैं सिर्फ काम पर फोकस करूँगी, सिर्फ जो कैरेक्टर है, स्पेशली क्योंकि मेरी ये फ़र्स्ट फिल्म है तो उसके जो न्यूआंसेस है, जो एक्सेंट डायरेक्टर को चाहिए रॉन्ग पंजाबी सोटो से, वो आई थिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन उस पर काम करना है, तो मेरा फोकस काम पे ही होगा इस ट्रिप में। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पंजाबी सिनेमा इज़ ग्रोइंग टू वेल, तो कुछ पंजाबी फिल्म्स हैं जो आपने कभी देखी हो या कुछ एक्सपीरियंसेस का? मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे प्रोमोज देखे हैं, जो फिल्म्स बन रही है वो मैंने देखे हैं। अच्छा, फिलहाल तो इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, अभी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, मगर फिर भी आप अपने फैंस को किस तरह कहेंगे ये फिल्म देखने के लिए? व्हाट वुड बी द यूएसपी ऑफ द फिल्म? आई थिंक द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज़ द स्क्रिप्ट। ये बहुत फ़नी स्क्रिप्ट है, बहुत फ़नी स्क्रिप्ट है, और जो हीरो हीरोइंस है जो नए हैं कलाकार, दे आर रियली टैलेंटेड एंड आई थिंक एवरीबडी शुड सी दिस फिल्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, जैसे कि जिया खान का जो सुसाइड केस है वो सामने है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में क्या इतना ग्लैमर, इतना प्रेशर, इतनी जो इतना अकेलापन, लोनली, क्या वो उन सब चीज़ों का प्रेशर रहता है कि कई कई बार एक्टर्स एक्ट्रेसेस सुसाइड करने का जो है वो कदम उठाती? मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये जो रेट है सुसाइड रेट वो बॉलीवुड में ही ज़्यादा है, ये किसी ने रिसर्च किया नहीं है, तो यू कांट से कि ये फील्ड में ही ऐसा होता है। आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैंने मेडिसिन किया हुआ है, तो हमारे फील्ड में भी सुसाइड्स होते हैं। अगर आप कॉरपोरेट फील्ड लो तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल इशू, एंड जस्ट बिकॉज शी केम फ्रॉम अ ग्लैमर फील्ड तो उसको मीडिया ने काफ़ी हाइप कर दिया है, लेकिन आई थिंक वी शुड जस्ट लेट हर बी, you should not keep discussing it all the time. Aditi, thank you so much and all the very best for your film. Thank you. तो ये थे हमारे साथ अदिति, जिन्होंने बताया कि वो कितनी एक्साइटेड है इस पंजाबी फिल्म में काम करने के लिए, और हाँ, इस बार वो घूमने फिरने की बजाय थोड़ा सा अपने काम में फोकस करेंगी। कैमरामैन गुरिंदर सूद के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।